सो हेलो एंड वेलकम बैक टू वीट्यूब नेटवर्क। सो जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी कि आईफोन 10 वर्सेस आईफोन 12 के ऊपर डिटेल कंपैरिजन वीडियो बननी चाहिए, सो आज की वीडियो के अंदर हम कंपैरिजन करेंगे आईफोन 10 को आईफोन 12 के साथ बेस्ड ऑन कैमरा, स्पीड, बैटरी एटसेट्रा। इसके अलावा इन दोनों के प्राइसिंग के बारे में भी हम बात करेंगे और लास्ट में होगा एक कंक्लूजन। बेसिकली इन दोनों के ऊपर एक वीडियो इसलिए बन रही है क्योंकि आईफोन 10 आपको आज भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे देता है, जिस वजह से आपको आईफोन 12 के साथ इसका कंपैरिजन वीडियो देखने को मिल रही है और इन दोनों के प्राइस में भी आपको यहाँ पे डिफरेंस मिल जाता है। इसके अलावा काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कि आज भी आईफोन 10 को यूज कर रहे हैं, सो उनका ये क्वेश्चन रहता है कि क्या हमें अपग्रेड करना चाहिए बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, कैमरा सेक्टर एक्सेट्रा, तो उसके ऊपर आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे। और इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं आईफोन 10 वर्सेस आईफोन 13 के ऊपर भी, जहां पे आईफोन 10 ने कड़ी टक्कर दी थी आईफोन 13 को। वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और एंड स्क्रीन पे वो वाली वीडियो मिल जाएगी। सो फटाफट से हम यहां पे कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पे बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन की। सो दोनों ही फोन जो है उनका डिजाइन आपको एकदम टॉप नॉच मिलता है, दोनों ही फोन यहां पे काफी ज्यादा प्रीमियम लगते हैं देखने में। पहले आईफोन 10 की बात करते हैं, तो आईफोन 10 पहला आईफोन था जहां पे आपको ड्यूल वर्टिकल लेंस कैमरा सेटअप मिल जाता था। इसके बाद ये वाला डिजाइन जो आईफोन 10s के अंदर और 10s मैक्स के अंदर भी कंटिन्यू हुआ था। इस तरह का जो कैमरा का सेटअप है, एप्पल लोगो आपको सेंटर में मिल जाता है, नीचे की तरफ आईफोन लिखा हुआ मिल जाता है। वहीं आईफोन 12 के अंदर आप चेकआउट कर सकते हो कि आपको एप्पल का लोगो जो है वो सेंटर में मिलने लग गया। और जो इसका कैमरा सेटअप है, ये बेसिकली आईफोन 11 के अंदर सबसे पहली बार इस तरह का कैमरा सेटअप आया था, तो वही वाला डिजाइन यहाँ पे फॉलो हुआ था। बिल्ड क्वालिटी की भी अगर हम बात करें, दोनों फोन के अंदर आपको बैक के अंदर भी यहाँ पे ग्लास मिल जाता है। इसके अलावा आपको आईफोन 12 के अंदर फ्रंट के अंदर सेरेमिक शील्ड मिल जाती है, जिससे ज्यादा ड्यूरेबल जो है वो आईफोन 12 आपका बन जाता है। बाकी दोनों ही फोन आपको देखने में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं, बट पर्सनली मुझे आईफोन 10 जो है वो आज भी यहाँ पे ज्यादा प्रीमियम लगता है, क्योंकि जो इसके साइड्स हैं वहाँ पे आपको यहाँ पे स्टेनलेस स्टील मिल जाता है, जो कि ज्यादा प्रीमियम लगता है कंपेयर करें जो कि आपको आईफोन 12 के अंदर एल्युमिनियम फिनिश के अंदर ये साइड जो है वो मिल जाती है। बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा राउंड मिलता है फोन, जो राउंड या कर्व्स आप कह सकते हो आईफोन 10 के अंदर, जैसे वैसे तो जो ये राउंड और कर्व्स होते हैं थोड़े से स्लिपरी हो जाते हैं, बट आईफोन 10 का साइज जो है वो थोड़ा छोटा है, जिससे वो फिर भी हाथ में सही आता है। बाकी आईफोन 12 के अंदर तो आपको फ्लैट एजेस जो मिलते हैं वो और भी ज्यादा यहाँ पे होल्डिंग कैपेसिटी के मामले में ज्यादा अच्छा फोन बन जाता है। बाकी ये पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि किसको यहाँ पे राउंड और थोड़े से कर्व्स वाले फोन अच्छे लगते हैं और किसको फ्लैट फोन यहाँ पे ज्यादा पसंद आते हैं। बाकी अगर इनके साइज एंड वेट की बात करते हैं, तो आपको दोनों ही फोन का वेट जो है वो काफी ज्यादा लाइट मिलता है। आईफोन 10 का वेट आपको मिलता है 162 ग्राम्स का, और वहीं अगर हम बात करें आईफोन 12 की तो वो आपको मिलता है 174 ग्राम्स का। बाकी दोनों का जो साइज है वो एकदम हैंडी फोन है, बट आईफोन 10 आपको ज्यादा हैंडी मिलता है। अगर आपको थोड़े से हैंडी फोन जो ज्यादा अच्छे लगते हैं कॉम्पैक्ट हो आपके हाथ में आ जाए, तो आईफोन 10 आपके लिए ज्यादा बेटर चॉइस वहां पे रहने वाली है। बाकी आईफोन 12 भी जो है वो ज्यादा कुछ इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि ये जो फ्लैट एजेस होने की वजह से यहाँ पे फोन का साइज जो है वो छोटा हो चुका है, सो इसके अंदर भी आपको यहाँ पे साइज जो है वो अच्छा मिल जाता है हाथ में पकड़ने के लिए। बट यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो कि हाइट के मामले में भी और जो इसकी विड्थ है दोनों के अंदर आपको यहाँ पे आईफोन 10 जो है वो स्लाइटली आईफोन 12 के मुकाबले में छोटा मिलता है। अब बात करते हैं इनकी डिस्प्ले एंड फ्रंट लुक एंड डिजाइन की। सो फ्रंट से देखने में भी दोनों ही फोन यहाँ पे काफी ज्यादा प्रीमियम लगते हैं, बट यहाँ पे आपको डिस्प्ले साइज के अंदर जो है यहाँ पे डिफरेंस एक मिल जाता है। अगर हम बात करें आईफोन 10 की, सो आईफोन 10 के अंदर आपको 5.8 इंच की यहाँ पे डिस्प्ले साइज मिल जाता है। वहीं अगर हम बात करें आईफोन 12 की, सो आईफोन 12 के अंदर आपको जो डिस्प्ले साइज मिलता है वो है 6.1 का। बाकी दोनों ही फोन के अंदर आपको सेम नॉच साइज मिलता है, दोनों के अंदर कोई भी यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। बाकी दोनों ही फोन के अंदर आपको फेस आईडी भी मिल जाती है। आईफोन 10 ऐसा पहला आईफोन था जिसके अंदर आपको फेस आईडी मिली थी, बट डे टू डे लाइफ के अंदर आपको आईफोन 12 की फेस आईडी स्लाइटली उससे थोड़ी सी फास्ट देखने को मिल सकती है। बाकी आईफोन 10 के अंदर आपको काफी अच्छी डिस्प्ले मिल जाती है, ओलेड पैनल आपको यहाँ पे मिलता है आईफोन 10 के अंदर, जिसको एप्पल कहता है सुपर रेटिना एचडी डिस्प्ले। वहीं आईफोन 12 के अंदर भी आपको ओलेड पैनल मिलता है, जिसको एप्पल कहता है सुपर रेटिना एक्सडीआर डिस्प्ले। दोनों की डिस्प्ले यहाँ पे काफी ज्यादा बेहतरीन है, बट यहाँ पे डिफरेंस जो है वो आपको मिल जाता है। आईफोन 10 के मुकाबले में आईफोन 12 के अंदर आपको ज्यादा अच्छे पिक्सल रेजोल्यूशन और कंट्रास्ट रेशियो मिल जाती है। इनकी हम पीपीआई की भी बात करें, तो आपको आईफोन 12 के अंदर मिलती है 460 की पीपीआई, वहीं हम बात करते हैं आईफोन 10 की, तो वहां पे आपको मिल जाती है 458 की पीपीआई। पीक ब्राइटनेस की भी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो आईफोन 10 के अंदर आपको मिलती है 625 निट्स की पीक ब्राइटनेस, वही आईफोन 12 में भी आपको सेम 625 निट्स की यहाँ पे ब्राइटनेस जो है वो मिल जाती है, बट आपको यहाँ पे एचडीआर कंटेंट के लिए 1200 निट्स की यहाँ पे मैक्सिमम ब्राइटनेस मिल जाती है, जो कि आईफोन 10 के अंदर मिसिंग है। बट डे टू डे यूजेज के अंदर आपको दोनों की डिस्प्ले यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देने वाली है, चाहे यहाँ पे मूवीज देखना चाहते हो, चाहे कोई यूट्यूब पे वीडियोस देखना चाहते हो, गेमिंग के लिए आपको यहाँ पे काफी अच्छी परफॉर्मेंस मिलने वाली है। साइज का थोड़ा सा डिफरेंस है, वो भी ज्यादा बड़ा नहीं है, बट 6.1 इंच का जो साइज है वो एक स्टैंडर्ड साइज बन चुका है डिस्प्ले का। बाकी ये बात आपको पता होनी चाहिए कि आईफोन 10 की जो डिस्प्ले है वो आईफोन 11 और आईफोन 10R से भी बेटर है। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे दोनों ही फोन्स के कैमरास की। सो पहले हम बात करते हैं आईफोन 10 की। सो आईफोन 10 के अंदर आपको यहाँ पे ड्यूल कैमरा सेटअप मिलता है। पहला आपको यहाँ पे मिलता है टेलीफोटो कैमरा 12 मेगापिक्सल का, जो कि आता है f2.4 के साथ। वहीं आपको मिलता है दूसरा कैमरा वाइड एंगल, जो कि आता है f1.8 के साथ। साथ में आपको यहाँ पे ड्यूल ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, पोर्ट्रेट मोड जैसे कुछ फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं अगर बात करें आईफोन 12 की, सो आईफोन 12 के अंदर भी आपको दो कैमरा लेंस
यहाँ पे मिल जाते हैं। पहला कैमरा जो है वो वाइड एंगल मिलता है आपको 12 मेगापिक्सल का, जो कि आता है 1.6 के साथ, और दूसरा कैमरा भी आपको यहाँ पे 12 मेगापिक्सल का मिलता है अल्ट्रा वाइड एंगल, जो कि आता है f2.4 के साथ। साथ में नाइट मोड एंड डीप फ्यूजन जैसे आपको कुछ यहाँ पे फीचर्स मिल जाते हैं। बात करते हैं दोनों ही फोन के फ्रंट कैमरा की, आईफोन 12 के अंदर आपको मिलता है 12 मेगापिक्सल का कैमरा जो कि आता है f2.2 के साथ, और वहीं अगर बात करते हैं आईफोन 10 की, वहां पे आपको मिलता है 7 मेगापिक्सल का कैमरा जो कि आता है f2.2 के साथ। दोनों ही फोन के अंदर आपको यहाँ पे फ्रंट एंड बैक एंड पोर्ट्रेट मोड्स में मिल जाते हैं। फोटोज यहाँ पे दोनों ही फोन से काफी अच्छी आती है, बट यहाँ पे आपको एक डिफरेंस देखने को मिल जाता है। जैसे कि आपको पता होगा कि आईफोन 12 में आपको मिलता है एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, और आईफोन 10 के अंदर मिल जाता है टेलीफोटो कैमरा, सो वहाँ पे आपको एक डिफरेंस मिल जाता है। फोटो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो कि पहले एक वाइड एंगल से फोटोज किस तरह से आई है, और उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे आईफोन 10 का जो टेलीफोटो कैमरा है और आईफोन 12 का जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है वहाँ पे क्या डिफरेंस आता है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे दोनों ही फोन के अंदर पोर्ट्रेट मोड्स मिल जाते हैं। ऑफकोर्स आईफोन 12 के अंदर यहाँ पे ज्यादा अच्छे पोर्ट्रेट शॉट्स जो है वो आते हैं, बट आईफोन 10 के अंदर भी आपको यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड मिल जाता है। एक और डिफरेंस यहाँ पे आपको मिलता है दोनों के अंदर, क्योंकि आईफोन 10 के अंदर आपको मिलते हैं सिर्फ 5 पोर्ट्रेट मोड्स, वहीं आईफोन 12 के अंदर आपको 6 पोर्ट्रेट मोड्स मिल जाते हैं। बाकी दोनों ही फोन से आप ह्यूमन प्लस ऑब्जेक्ट्स के पोर्ट्रेट शॉट्स यहाँ पे निकाल सकते हो। फ्रंट कैमरा में भी आपको सेम ही डिफरेंस मिलता है, क्योंकि आईफोन 10 के अंदर आपको मिलते हैं 5 पोर्ट्रेट मोड और आईफोन 12 के अंदर मिल जाते हैं 6 पोर्ट्रेट मोड्स। हालांकि पोर्ट्रेट मोड्स के मामले में आईफोन 12 की आपको परफॉर्मेंस जो है वो काफी अच्छी मिल जाती है आईफोन 10 के मुकाबले में। इस पर्टिकुलर पोर्ट्रेट को जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा था तो आईफोन 10 ने यहाँ पे इसको कैप्चर ही नहीं किया, वहीं आईफोन 12 ने काफी अच्छा काम किया है। नॉर्मल फोटोज में भी यहाँ पे दोनों ही फोन ने काफी अच्छी फोटोज को क्लिक किया है। आईफोन 12 के अंदर आपको ज्यादा अच्छी डिटेलिंग मिलती है, फोकस और ब्राइटनेस भी यहाँ पे अच्छी मेंटेन रहती है आईफोन 12 के अंदर, बट पर्टिकुलरली मुझे आईफोन 10 के अंदर यहाँ पे कलर जो है वो ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। थोड़ी सी यहाँ पे लाइट फोटोज लग रही है आईफोन 12 के अंदर, बट जो आईफोन 10 है उन्होंने यहाँ पे ज्यादा अच्छे और नेचुरल कलर्स दिखाए हैं, लेकिन फोकसिंग एंड डिटेलिंग यहाँ पे ज्यादा बेटर है क्योंकि आईफोन 12 उससे एडवांस कैमरा है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं लो लाइट की, सो आप चेकआउट कर सकते हो कि लो लाइट के अंदर किस तरह की फोटोज आई है दोनों ही फोन से। जहाँ पे आईफोन 12 ने तो काफी अच्छा उसको मेंटेन किया, बट आईफोन 10 की आप पिक्चर देख सकते हो कि उसके अंदर पिक्सेलेटेड भी हो रही है फोटोज, बट जब मैंने रूम की सारी लाइट बंद कर दी तो आप चेकआउट कर सकते हो कि आईफोन 12 ने फिर भी यहाँ पे अच्छा इमेज दिखाया है, बट आईफोन 10 के अंदर आपको बिल्कुल भी कुछ यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा। आईफोन 12 ने यहाँ पे काफी अच्छा काम किया क्योंकि उसके अंदर आपको मिल जाता है नाइट मोड, वहीं आईफोन 10 के अंदर कोई नाइट मोड सपोर्ट नहीं होता। वीडियोस की भी अगर हम बात करते हैं तो दोनों ही फोन से आपको काफी अच्छी वीडियोस मिल जाती है। ऑफ कोर्स आईफोन 12 के अंदर आपको ज्यादा अच्छी वीडियोस मिलती है क्योंकि वहाँ पे आपको 4K 60fps तक का रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिल जाता है। आईफोन 10 से भी आप 4K 60fps तक की रिकॉर्डिंग कर सकते हो, बट सिर्फ रियर कैमरा से। आईफोन 10 के फ्रंट कैमरा से 4K वीडियोस नहीं बनती। आईफोन 10 का जो कैमरा है वो 7 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और वहाँ पे आपको सिर्फ 1080p एट 30fps तक की वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिलता है। वहीं आईफोन 12 से आप 4K 60fps तक की रिकॉर्डिंग कर सकते हो। क्वालिटी जो है वो ऑफ कोर्स आईफोन 12 की यहाँ पे ज्यादा बेटर आती है क्योंकि आपको 12 मेगापिक्सल भी मिल जाता है और आईफोन 12 जो है वो एक एडवांस फोन है और एडवांस कैमरा आपको उसके अंदर मिल जाते हैं, बट स्टिल यहाँ पे इतना पुराना फोन होने के बावजूद आईफोन 10 आपको एक ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे देता है कैमरा के मामले में, और खासकर जो इसका रियर कैमरा है वो आपको ज्यादा अच्छी यहाँ पे क्वालिटी प्रोवाइड करता है फोटोज एंड वीडियोस के मामले में। बाकी विनर तो ऑफकोर्स आईफोन 12 ही है। अब बात करते हैं इनके चिपसेट एंड सॉफ्टवेयर की, तो आपको दोनों ही फोन के अंदर यहाँ पे काफी पावरफुल यहाँ पे चिपसेट मिल जाती है, जिस वजह से यहाँ पे कंपैरिजन क्रिएट होता है। आज भी आईफोन 10 से आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है। आईफोन 10 के अंदर आपको मिलती है A11 की बायोनिक चिप, वहीं अगर हम बात करते हैं आईफोन 12 की, तो वहाँ पे आपको मिल जाती है A14 की बायोनिक चिप। आईफोन 10 के अंदर आपको मिलती है 3GB की रैम, वहीं आपको आईफोन 12 के अंदर मिल जाती है 4GB की रैम। अब बात करते हैं दोनों ही फोन के सॉफ्टवेयर की, तो करंटली यहाँ पे दोनों ही फोन जो है वो 15.5 के ऊपर रन कर रहे हैं और दोनों यहाँ पे काफी ज्यादा स्मूथ रन हो रहे हैं। और अगर आपको iOS का सिस्टम नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे रेगुलर अपडेट्स जो है वो आते रहते हैं, दोनों के ऊपर साथ में अपडेट्स आते हैं। ऐसा नहीं है कि आईफोन 10 के ऊपर बाद में अपडेट आएगा, दोनों के ऊपर साथ में यहाँ पे रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं। बट लॉन्जिविटी की अगर हम बात करते हैं तो आपको 5 साल तक किसी भी आईफोन के अंदर कम से कम 5 साल तक यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट्स जो है वो मिलते हैं। सो उस मामले में आईफोन 10 के अंदर आपको एक और अभी यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट मिलने वाला है iOS 16 का, बट उसके बाद कितने मिलते हैं वो भी कुछ नहीं कहा जा सकता। बट आईफोन 12 के अंदर आपको यहाँ पे कम से कम 2025 तक यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलने वाले हैं और उसके बाद कितने मिलते हैं वो उस टाइम पे पता चलेगा। बाकी परफॉर्मेंस दोनों ही फोन्स की यहाँ पे टॉप नॉच है, आपको दोनों ही फोन से काफी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है। आईफोन 10 इतना पुराना फोन होने के बावजूद आज भी यहाँ पे काफी अच्छी परफॉर्मेंस देता है। ऑफ कोर्स यहाँ पे A14 की बायोनिक चिप जो है वो ज्यादा फास्ट है, ऐसे कि A14 से A15 ज्यादा फास्ट है, बट यहाँ पे दोनों के अंदर ही आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है। एक ऐप टेस्ट भी हम यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि बैकग्राउंड में कोई भी ऐप रन नहीं कर रही, दोनों सेम वाईफाई पे यहाँ पे रन कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं हम पहले यहाँ पे रेगुलर ऐप से, यहाँ पे सबसे पहले फोन को क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो दोनों ने यहाँ पे सेम ही टाइम लिया, और जब भी यहाँ पे सेम टाइम लेगा तो आईफोन 10 की वो भी जीत मानी जाएगी। और यहाँ पे क्लॉक को भी आप चेकआउट कर सकते हो कि दोनों ने सेम टाइम लिया। कैलेंडर भी यहाँ पे एकदम सेम टाइम पे था, कोई भी डिफरेंस नहीं था। कैमरा ऐप को भी जैसे हम क्लिक करते हैं तो स्लाइटली यहाँ पे आईफोन 12 जो है वो उससे फास्ट था, बिल्कुल मिली सेकेंड्स का फर्क था। इसके बाद चलते हैं यहाँ पे हम आईट्यून्स की तरफ, तो आईट्यून्स भी आप चेकआउट कर सकते हो, ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम ही था।
उसके बाद चलते हैं हम ऐप स्टोर की तरफ। ऐप स्टोर के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग गया आईफोन 10 को, बाकी इसके अंदर भी ज़्यादा कुछ इतना बड़ा रियल लाइफ का डिफरेंस आपको नहीं लगेगा। एप्पल टीवी के अंदर भी आप चेकआउट कर सकते हो, अगेन यहाँ पे आईफोन 12 जो फास्ट था। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे वेदर ऐप की तरफ। सो वेदर ऐप को भी जैसे मैंने क्लिक किया तो आप चेकआउट कर सकते हो, इसमें आईफोन 10 ने यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी लोड कर लिया था आईफोन 12 के मुकाबले में। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे सफारी ऐप को, जैसे सफारी को क्लिक किया तो दोनों ने ऑलमोस्ट सेम टाइम लिया, कोई भी इसमें भी डिफरेंस नहीं था। इसके बाद चलते हैं हम यहाँ पे यूट्यूब की तरफ। सो यूट्यूब में भी आप चेकआउट कर सकते हो कि दोनों ने ऑलमोस्ट सेम टाइम लिया, मिली सेकंड यहाँ पे आईफोन 12 ने जल्दी लोड कर लिया था। लास्ट में देखते हैं हम स्पॉटीफाई को। सो स्पॉटीफाई के अंदर यहाँ पे आईफोन 12 ने जल्दी उससे लोड कर लिया, बट यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आईफोन 10 जो है वो लगभग 5 साल पुराना फ़ोन है, जो आज भी यहाँ पे इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है आईफोन 12 के मुकाबले में। काफ़ी सारी ऐप्स को दोनों ने सेम ही टाइम पे ओपन किया है, और जब भी दोनों सेम टाइम लेते हैं तो उसमें आईफोन 10 की ही जीत मानी जाती है। जब मैंने इसका आईफोन 13 से भी कंपेरिजन किया था तो वहाँ पे 2 से 3 ऐप ऐसी थी जो आईफोन 13 में लेट लोड हुई थी और आईफोन 10 में जल्दी हो गई थी, क्योंकि ये तो सबको पता ही है कि आईफोन 12 और आईफोन 13 काफ़ी ज़्यादा फास्ट फोन है। बट जब आईफोन 10 इस तरह की परफॉर्मेंस देता है तो उससे ये चलता है कि एप्पल की चिपसेट कितनी पावरफुल होती है। अगर उसी टाइम का आप कोई एंड्रॉइड फोन को उठा के देखोगे तो आपको इतनी अच्छी परफॉर्मेंस आज नहीं मिलेगी जितनी आईफोन 10 आपको दे देता है। दोनों ही फोन्स के अंदर आपको गेमिंग के अंदर कोई लैग्स नहीं मिलते, वीडियो एडिटिंग भी दोनों के अंदर काफी अच्छी हो जाती है। आईफोन 12 के अंदर आप ज्यादा हैवी कर सकते हो, बट आईफोन 10 से भी आपकी जो नॉर्मल रील शॉर्ट्स ये सब होती हैं ये आसानी से एडिट हो जाती हैं। आईफोन 10 में जैसा मैंने कहा कि गेमिंग के अंदर आपको लैग्स नहीं मिलते, बट आईफोन 10 जो है वो गेमिंग के लिए एक्चुअली बना नहीं है आज के टाइम के हिसाब से, क्योंकि इसके अंदर आपको बैटरी उतनी अच्छी नहीं मिलती जितनी आपको आईफोन 12 में या फिर बाकी अदर आईफोन्स के अंदर मिल जाती है। एमएएच की अगर हम बात करते हैं तो आपको यहाँ पे 2716 एमएएच की बैटरी मिल जाती है, आईफोन 12 के अंदर आपको 2815 एमएएच की बैटरी मिलती है। देखने में ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं लगता, पर यहाँ पे आईफोन 12 की जो चिपसेट है वो ज्यादा एफिशिएंट है, और आईफोन 10 जो है अगर आप सेकंड हैंड परचेज करते हो तो उसके अंदर आपको ऑलरेडी बैटरी जो है वो थोड़ी सी डिग्रेडेड मिलती है, जिस वजह से आज के टाइम पे उतनी अच्छी आपको बैटरी के मामले में परफॉर्मेंस नहीं मिल पाएगी आईफोन 10 से जितनी अच्छी आपको इवन आईफोन 10R से 11 या फिर 12 से मिल सकती है। गेमिंग करने पे आपको आईफोन 10 के अंदर मुश्किल से 3 से 4 घंटे की बैटरी लाइफ मिलेगी, बट वहीं आपको वहाँ पे आईफोन 12 के अंदर 6 से 7 घंटे की बैटरी लाइफ मिल जाती है आराम से गेमिंग करने के बावजूद भी। अगर आप एक लाइट यूजर हो, कॉल्स करते हो, थोड़ा बहुत व्हाट्सएप चलाते हो, फेसबुक इंस्टाग्राम पर थोड़ा बहुत स्क्रॉलिंग कर लेते हो तो आपको आईफोन 10 से एक दिन की बैटरी लाइफ यहाँ पे मिल सकती है, बट उसके लिए भी आपको अगर आपने सुबह चार्ज किया तो आपको रात को दोबारा वहाँ पे चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा फोन को। इसके अलावा आपको एक और बड़ा डिफरेंस दोनों फोन के अंदर मिल जाता है, आईफोन 12 आपको मिलता है 5G, वहीं आईफोन 10 आपको मिलता है 4G, और 4G होने का मतलब यही है कि फ्यूचर के अंदर आप उसके अंदर 5G सिम को नहीं लगा सकते। खैर अभी तक यहाँ पे इंडिया के अंदर 5G नहीं आया, बट काफी जल्दी ऐसे चांसेस है कि आ जाएगा। अगर तो आप 5G कॉन्शियस हो तो आपका आईफोन 10 नहीं है, बट अगर आपको 5G से कोई लेना देना नहीं और 4G ही चलाना है अपने 5G आने के बाद भी, देन आपके लिए 4G भी एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है आईफोन 10। और अगर आप 4G फोन्स में इंटरेस्टेड हो तो मैं आईफोन 10 का कंपैरिजन कर चुका हूं आईफोन 10R के साथ भी, आईफोन 11 के साथ भी, लिंक आपको उन वीडियोस का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं इनके प्राइसिंग की। आईफोन 10 आपको न्यू पीस मिलना तो काफी ज्यादा मुश्किल है, बट सेकंड हैंड मार्केट के अंदर काफी अच्छी इनकी सेल है, और यहाँ पे आपको आईफोन 10 जो है वो 20,000 से लेकर 22,000 तक मिल जाता है आपको आईफोन 10 डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। वहीं अगर हम बात करते हैं आईफोन 12 की, सो आज भी आपको ये एप्पल की साइट के ऊपर 66,000 का मिल जाता है, बट आपको फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे इससे कहीं अच्छी डील्स मिल जाती है। करंटली आपको अमेजोन के ऊपर ये 56,000 के अंदर मिल जाएगा, बट ऑफलाइन इसे ज्यादा अच्छा आपको डिस्काउंट मिल सकता है, और सेल में 50,000 या उसके नीचे भी आपको आईफोन 12 जो मिल जाता है कार्ड वार्ड डिस्काउंट लगाने के बाद। अब बात करते हैं इसके हम सेकंड हैंड मार्केट की। तो सेकंड हैंड मार्केट के अंदर भी आईफोन 12 की काफी अच्छी डिमांड है, और लगभग आपको 37,000-38,000 से लेकर 40,000 तक आईफोन 12 मिल जाता है आसानी से 64GB वाला वेरिएंट सेकंड हैंड मार्केट के अंदर। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। तो आईफोन 12 के अंदर आपको हर चीज जो है वो ज्यादा अच्छी मिलेगी, चाहे वो कैमराज हो, चाहे प्रोसेसर हो, चाहे बैटरी हो, लेकिन आईफोन 10 भी आपको यहाँ पे काफी अच्छी परफॉर्मेंस देता है। 2022 के हिसाब से भी काफी अच्छा उसका प्रोसेसर है, और साथ में इसका कैमराज भी आपको अच्छे मिल जाते हैं, बट यहाँ पे बैटरी जो है उसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि बैटरी अगर आपको थोड़ा सा हैवी यूज करते हो तो आपके लिए आईफोन 10 जो है वो नहीं बना। साथ में आपको अगर 5G चाहिए तो आपको 5G के लिए यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ सकता है आईफोन 12 की तरफ या फिर 12 मिनी की तरफ, बट उन सब चीजों के लिए यहाँ पे आपको प्राइस भी ज्यादा पे करना पड़ता है। सो होप अब आपको समझ आ गया होगा कौन सा फोन किसके लिए यहाँ पे बेटर है। सो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही किसी कंटेंट के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।